स्टूडेंट्स, मेरा नाम रितिका सक्सेना है और आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सो वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो जैसे कि क्रिया वर्ड ही आपको अपनी पूरी डेफिनेशन एक बार में आपको समझा देता है। सो वर्ब की डेफिनेशन होती है, वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन, एनी इवेंट, एनी स्टेट ऑफ एक्शंस और द अकरेंस। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी घटना को, घटना के किसी कार्य के या किसी घटना की स्थिति को व्यक्त करते हो, उनको हम जो है वर्ब बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसे डेफिनेशन से अगर नहीं समझ में आता है तो हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, वर्ब वो होता है जो किसी एक्शन को या किसी घटना को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जैसे रीडिंग, मैं क्या कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, एक कार्य कर रही हूँ। रीडिंग इज अ क्रिया, रीडिंग इज अ एक्शन। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, क्राइंग, लाफिंग, ये सब क्या है, ये एक आपकी जो है क्रिया है, आप कुछ एक्शंस कर रहे हो। ठीक है, सो ये जितने भी एक्शंस होते हैं आपके या इन एक्शंस को जो हम व्यक्त करते हैं उन सबको हम लोग क्रिया बोलते हैं, हम इनको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, सो वर्ब के जो हम एग्जांपल्स लेते हैं वो लेते हैं राइट, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, ये आप एक एक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो जो सिंपल डेफिनेशन हो गई, आप वो वर्ड जो आपके किसी एक्शन को या किसी कार्य को व्यक्त करते हो उनको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, सो इसी में जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक वर्ब है, एक है आपका सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इन एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस में आपका जो संज्ञा, आपकी जो क्रिया होनी चाहिए ना, आपके जो उसका जो विषय होता है उससे सहमत होनी चाहिए। आप जो भी अगर कोई सेंटेंस बोलते हो तो उसमें आपका जो एक्शन होता है इट शुड ऑलवेज बी इन एग्रीमेंट विद योर सब्जेक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे समझ में आया कि हर सेंटेंस में हमारा जो होगा, जो हमारी जो क्रिया होगी वो हमारे सब्जेक्ट से एग्री करेगी। ठीक है, सो जहाँ सिंगुलर क्रिया होगी वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सेम जहाँ प्लूरल क्रिया होगी या प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ प्लूरल आपकी जो है क्रिया होगी। ठीक है, सो मैं इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी, द डॉग चेजेस द कैट। तो दो सेंटेंस में लिखूंगी, द डॉग चेजेस, ये आपकी वर्कबुक में भी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, द डॉग चेजेस द कैट। ठीक है, ये आपका सिंगुलर है बिकॉज आपका जो डॉग है वो एक ही है। ठीक है, आपका जो डॉग है इट्स अ नाउन एंड इट्स अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, एंड इट्स अ सिंगुलर वन क्योंकि हम एक यहाँ पे एक डॉग की बात कर रहे हैं। ठीक है, चेजेस आपका जो है, ये डॉग आपका नाउन है। ठीक है, एंड ये सिंगुलर नाउन है, चेजेस क्या है, ये आपकी एक वर्ब है, ये आपकी एक क्रिया है। ठीक है, तो हम जब सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पे कोई एस नहीं आता, देयर इज नो एस क्योंकि वो एक, हम एक एक नाउन की बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी क्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे एस आता है। ठीक है, चेजेस, डॉग चेजेस द कैट। अब जब हम प्लूरल की बात करते हैं, यहाँ पे जो डॉग्स लिखा है, दिस इज प्लूरल नाउन, सो हेयर वी विल बी यूजिंग एस, एंड सिंस इट्स अ प्लूरल फॉर्म तो हम यहाँ पे एस का यूज नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम जैसे जैसे आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, आपके आगे टेंसेस आएंगे, एंटोनियम्स आएंगे, सिंगुलर्स आएंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा कहाँ एस लगाना है, कहाँ हैव लगाना है, कहाँ हैड लगाना है। ठीक है, सो चेज में हम लोग देयर वुड बी नो एस। सो ये आपका वर्ब है, वर्ब आपका आपकी किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है और आपका जितने भी
जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, आपके हर एक सेंटेंस में आपका जो एक्शन होता है, आपका जो वर्ब होता है, वो आपके सब्जेक्ट से जो है एग्री करना चाहिए, ठीक है। सो आप अपने आगे की एक्टिविटीज को पूरा कीजिए, अपने उसमें जो आपके वर्ड्स हैं, जो स्टोरीज हैं, उनको जो अंडरलाइन है उसको करने की कोशिश कीजिए। आपको सिंगुलर, प्लूरल, वर्ब, नाउन सबका जो क्लैरिटी है बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।